उदाहरण चार, इन प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। 4/7 3 हमें 4/7 3 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ऋण तीन के घात को अंश और हर में बांटेंगे, तो यह होगा 4/7 3 हमने यहाँ पे भाग का नियम का प्रयोग किया है, क्योंकि a/b^m = a/m/b^m होता है बराबर। हम इसे लिख सकते हैं 4/7 3 बराबर 4/3 को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/4 3 गुणित, उसी तरह से ऋण 3 को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 7/3। यहाँ पे हमने घातांक के दो नियम का प्रयोग किया है, पहला 1/(m) = 1/1m होता है, और दूसरा कहीं 1/(1m) है तो ये 1/(m) होता है बराबर। इसे हम लिखेंगे 7/3/4/3 बराबर 7/3 को हम लिख सकते हैं 7 × 7 × 7 / 4/3 को हम 4 × 4 × 4 लिखेंगे बराबर 7 × 7 49 × 7 / 4 × 4 16 × 4 बराबर 49 × 7 का गुणा 343 होता है बटे 16 × 4 का मान 64 होगा। यह उदाहरण का हल है। दूसरा, 4/(16)-2 × 4/0 हमें 4/4 × 16/2 × 4/0 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले बराबर 4/4 × 16/2 ऋणात्मक घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/16/2 × 4/0। हमने यहाँ पे घातांक का नियम लगाया है, क्योंकि 1/(m) = 1/(m) बराबर हम इसे लिखेंगे 4/4 × 4/0 = 16/2 बराबर 4/4 × 4/0 = 16 को हम यहाँ 16 को 4/2 लिख सकते हैं, और यहाँ 16 2 है तो 4/2 2 होगा बराबर 4/4 × 4/0 = 4/2 × 2 = 4।
यहाँ पे हमने घातांक में घातों की घात का नियम लगाया है, ए का घात एम का घात एन बराबर ए का घात एम गुणित एन। आगे अगले पृष्ठ में देखते हैं। आगे चार का घात चार गुणित चार का घात शून्य बटा चार का घात चार हमें प्राप्त हुआ था बराबर। यहाँ पे देखिए आधार एक है, तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ेंगे, चार धन शून्य। यहाँ पे हमने घातांक में गुणा का नियम लगाया है, ए का घात एम गुणित ए का घात एन बराबर ए का घात एम धन एन बटा चार का घात चार बराबर चार का घात चार धन शून्य बराबर चार बटा चार का घात चार बराबर। यहाँ पे हमारे पास बटे में आधार एक है, तब हम आधार को एक बार लिखेंगे और अंश और हर की घात को घटा देंगे, चार ऋण चार। यहाँ पे हमने घातांक का नियम लगाया है, ए का घात एम बटा ए का घात एन बराबर ए का घात एम ऋण एन बराबर चार का घात चार ऋण चार बराबर शून्य बराबर चार का घात शून्य का मान एक होता है, क्योंकि घातांक में ए का घात शून्य का मान एक होता है। यह उदाहरण का हल होगा।